उनके प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार परंपरागत तरीके से मनाया गया। बहनों ने भाई के कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का वचन लिया। माथे पर रोली चंदन का तिलक लगाई, तिलक पर अक्षत लगाई, कलाई पर राखी बांधी, भाई को आरती दिखाकर मिठाई खिलाई। भाइयों ने बहनों को उसकी रक्षा का वचन देते यथासाध्य उपहार दिए। रक्षाबंधन के लिए लोगों ने शुभ मुहूर्त का स्मरण नहीं किया, अपने तरीके से सुबह का पूजा पाठ कर रक्षाबंधन कराया। पंडितों द्वारा भी यजमान के हित के लिए रक्षाबंधन किया गया। धर्मानुरागी परिवार द्वारा यथासाधन दान कर्म भी किए। मोहनगंज में खुशी राज ने अपने भाई माधव कुमार को राखी बांधी तो वहीं दीपा कुमारी ने अपने भाई धीरज कुमार को राखी बांधकर अपने रक्षा का प्रण लिया। वहीं बाजारों में चहल पहल बनी रही, कहीं भाई बहन के पास तो कहीं बहन भाई के पास राखी बंधवाने या बांधने आ जा रहे थे। सावन का महीना का आखिरी दिन पूर्णिमा होने के कारण शिवालयों में पूजा करने लोग गए। घरों में भी लोगों ने अपने अपने तरह से पूजा किया, सत्यनारायण पूजन भी कराए गए, राखी से संबंधित गीत बजते रहे। पुचुक, ए पुचुक, ए ए ये इधर ना देखिए, कपड़ा छोड़ दी, पैसा पकड़ ले। अभी तुझे दादी माँ को बोल रही इधर ना, बाबू के मुँह में सटा ले के, पूरा ले के दो सर ले लो, देखो दो सर ले लो, दो सर ले लो, दो सर ले लो, सो सर ले लो। आई अपने खाई मैं अभी तो बंद ही रहा।